नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां हम बातचीत करेंगे इंडेक्स की, निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी की जितनी भी बातचीत मैं करता हूं वो करंट मंथ फ्यूचर की एक्सपायरी के वायदे कारोबार के होते हैं। जैसे मैं अभी 26 मई 2022 के वायदे कारोबार के आप लोगों को लेवल्स देता हूं, सपोर्ट बताता हूं, रेजिस्टेंस बताता हूं, और साथ ही बताता हूं मैजिकल लेवल्स। मैजिकल लेवल्स होते क्या हैं? मैजिकल लेवल्स ही हैं जो आप लोगों को इस बाजार में फंसने से बचाते हैं। कैसे? कल हमारा बाजार ऑलमोस्ट मैजिकल फिगर के पास आया, मैजिकल फिगर को क्रॉस नहीं कर पाया। और मैजिकल फिगर की डेफिनेशन क्या है? मैजिकल फिगर के नीचे चलेगा बाजार तो होगा करेक्टिव फेज पे, मैजिकल फिगर के ऊपर चलेगा बाजार तो होगा बुलिश फेज पे। बस बाजार में एक ही प्रॉब्लम हो रही है मुझे कि मैजिकल फिगर नीचे नहीं जा पा रहा है बाजार के भाव के साथ। आज हम लगभग गुरुवार में खड़े हुए हैं, कल भी अगर मैजिकल भाव में भाव अगर पुलबैक नहीं देते हैं ऊपर के बाजू में, जैसे अभी तो बाजार गैप अप और गैप डाउन में ही चल रहा है, कल ही का बाजार देखेंगे तो 16,300 के लगभग खुला था और 34,400 के लगभग खुली थी बैंक निफ्टी। आज की ओपनिंग भी नज़र डालिए, 15,981, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपनिंग। तो इस खैर क्लोजिंग के हिसाब से मैं ओपन टू ओपन बात कर रहा हूँ, ना कि क्लोज टू ओपन। तो बाजार गैप अप और गैप डाउन में ही ड्राइव हो रहे हैं। और आज नहीं, मैं पिछले 2 महीने पहले आप लोगों को बोला था कि ऑप्शन राइटर के लिए सबसे पेनफुल मार्केट होने वाला है। खैर, हम लोग मार्केट में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जब तक दिल और दिमाग एक जगह ना हो जाए तब तक पार्टिसिपेट इनफेक्ट करना भी नहीं चाहिए। नहीं कर रहे हैं वो भी बच रहे हैं, बचत भी मुनाफा है, खर्चे तो साथ ही साथ लगे हुए हैं। किसी ने कमेंट किया कि यहाँ से ज़्यादा टूटेगा नहीं, यहाँ से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं आप कहते हो, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक की रणनीति अगर आप लोग देखते हैं तो मैं कंटिन्यूस वहाँ पर सेल की रणनीति बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाजार में एग्रेसिव तेजी नहीं लग रही। दूसरी वजह, आप लोगों को मंथली मैजिकल फिगर दिया हुआ है और 4 दिन पहले की वीडियो में एक और बात लिखी थी मैंने कि लिख के रख लीजिए ये फिगर जब तक नहीं टूटता है तब तक तेजी नहीं आएगी। दूसरी बात, तीसरी बात, मैजिकल फिगर के ऊपर नहीं जा रहा है। मंथली मैजिकल फिगर हो चाहे वीकली मैजिकल फिगर हो, वीकली यानी जो मैं वीक ऑन वीक आप लोगों के साथ चेंजेस करता रहता हूँ, सेल की रणनीति बता रहा हूँ। 3 वजह हो गई। चौथी वजह, मैं HDFC वगैरह के ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दिया कि ज़्यादा एग्रेसिवली बाय क्यों नहीं लगता है। तो ये चौथी बड़ी वजह कि बड़े स्तरों पर तेजी आने की अपेक्षा कम है। किसी ने कमेंट किया कि भैया मंदी आती है तो बोलते हो लाओ माल, तेजी आ नहीं रही है। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले 4 वजह को समझ लीजिए। बाजार अगर 1-2%, 3% ऊपर नीचे करते भी हैं तो ये क्रैश नहीं होता है। क्रैश क्या होता है? जो 18,000 से 16,000 पे आके टिका हुआ है, ये क्रैश्ड मार्केट है। लेकिन ये 16,200 से 15,800 आ गया तो आप सोचेंगे क्रैश हो गया, ऐसा नहीं है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को मैं तो मेरे हो सकता है शब्दों के चयन में कभी कोई गलती हो जाए, लेकिन बाजार के मैजिकल फिगर में, मैजिकल फिगर के आधार पर तो आप लोग कम से कम गलती नहीं करेंगे। तो मैजिकल फिगर को आधार बनाइए, मुझ पर भरोसा कम करिए, मैजिकल फिगर पर जरूर करिए। आज हम देखते हैं, चार्ट पे नज़र डालते हैं, 15,981 के लगभग आज हम ओपन हुए थे। ये रहा आप लोगों का निफ्टी का चार्ट। जो ये पिंक लाइन है वो है हमारे मैजिकल लेवल्स, ब्लू लाइन है वो हमारे रेजिस्टेंस लेवल, रेड लाइन है वो हमारे सपोर्ट लेवल। स्वाभाविक रूप से मैजिकल फिगर था 16,460 का, बहुत दूर था। 16,340 का हमारा रेजिस्टेंस लेवल था जो कि पहला रेजिस्टेंस था, अगर इसको क्रॉस करता था तो 16,600 तक की जगह खुलती थी। और 4 दिन पहले के वीडियो में नहीं, इनफैक्ट परसों के लिए जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें ये कहा था, जब बाजार एग्रेसिवली बाय साइड में क्लोज हुए थे, कि यहाँ से 5,500 पॉइंट और ऊपर लगता है उसके ऊपर कम दिखता है, अगर ऊपर कम दिखता है तो नीचे भी आ सकता है ना बाजार, ये 5वीं बड़ी वजह। तो थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करिए, मैं जो कह रहा हूँ उनको समझिए, नंबर्स को समझिए, नंबर्स को आधार बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई माल उठा लिया है लॉस में चले गए तो इंटेलिसंस को दोषी ठहरा रहे हो, ये गलत बात होगी। गलती होती है तो एक्सेप्ट करता हूँ, वीडियो पे आके लॉस रिकॉर्ड करता हूँ और जितना बोला है उतना रिकॉर्ड करता हूँ। तो अगर इंटेलिसिस की परफॉर्मेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है तो आपको कोई बोलने का हक नहीं बनता है। जब वॉर की सिचुएशन हुई थी, इंटेलिसिस ने 2 महीने दबा के पैसा गंवाया था, उसको एक्सेप्ट किया था, दूध का दूध पानी का पानी शेयर करता हूँ। बात करते हैं चार्ट्स की। चार्ट में आप लोगों को दिख रहा है 16, तो बाजार स्वाभाविक रूप से मैजिकल फिगर के नीचे था, पहले रेजिस्टेंस के नीचे, दूसरे रेजिस्टेंस के नीचे, सबके नीचे था। इससे भी सबसे खतरनाक बात क्या थी, 16,090 का आप लोगों को सपोर्ट लेवल दिया था, 16,050 का सपोर्ट लेवल दिया था। आज बाजार ओपन होने के, जब बाजार ओपन हुए तो
ओपन ही इसका 15981 का था, आज का हाई कितना है, आज का हाई सेम हाई 15981.30, लो है 15740। तो जब आप लोगों के पास लेवल ही नहीं थे नीचे के और ऊपर दोनों सपोर्ट लेवल के नीचे खुल गया था बाजार, ये थ्योरी तो आप लोगों को पता होगी कि सपोर्ट के अगर नीचे खुल जाए बाजार तो वो उसके लिए बन जाता है रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस, दूसरे दो रेजिस्टेंस, मैजिकल फिगर, पांच चीज़ें ऊपर हैं, तो स्वाभाविक रूप से दो ही ऑप्शन थे, या फिर पुल बैक आता था रेजिस्टेंस तक, या फिर बाजार नीचे गिरता था। पुल बैक आता था तो वो तो एक स्पेकुलेशन हो जाता क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं था आप लोगों के पास बाय साइड का, सेल करते तो फिर भी स्टॉप लॉस था 16050 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आज थोड़ा डिफिकल्ट मार्केट था इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। हो सकता है अब लेवल खुलेंगे, लेवल्स मिलेंगे इंटेलिसेंस की तरफ से, तो हो सकता है आप लोगों को आगे आसानी जाए। कल के लिए पहला सपोर्ट होगा 15660, दूसरा सपोर्ट होगा 15440, पहला रेजिस्टेंस 16010, 16100। मैजिकल फिगर की बात लास्ट में करते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे नज़र डालते हैं, ये रहा आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट भी अगर आप देखते हैं तो इसमें भी सेम सिचुएशन थी, 34800 का मैजिकल फिगर था, 35580 का मैजिकल फिगर था, 34580 क्रॉस करता था पहले, तो उसको 34580 क्रॉस करना पड़ता और उसके बाद मैजिकल फिगर 34800 का, तो स्वाभाविक रूप से बाजार मंदा था। और मंदे की और ऊपर से जो दो सपोर्ट दिए थे वो भी रेजिस्टेंस बन चुके थे, जो कि हमारा 33960 और 33880 का था। आज का हाई पोस्ट हुआ है 33600 का, दोनों सपोर्ट के नीचे, यानी कि पांच रेजिस्टेंस बन चुके थे। लो पोस्ट हुआ है 33160 का, क्लोज हुआ है आज का मार्केट 33274 के आसपास। तो बेहद ये भी आज का बाजार वाकई में इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नो डाउट, अगर मैं लाइव सेशन भी करता था तो शायद कोई ट्रेड नहीं बना पाता था, और बनाता भी था तो आपको 33880 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के सिर्फ बेच के काम करना पड़ता था। चलिए बात करते हैं कल के लिए क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं। 33000 का पहला सपोर्ट, 32200 का दूसरा सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस 33780 और 34150। और आप लोग अगर ये देखते हैं यहाँ पर कि रेजिस्टेंस लेवल बड़े पास पास में है, यानी कि जैसे अगर निफ्टी का भी देखें आप तो निफ्टी तो फिर भी 200 पॉइंट ऊपर पहला रेजिस्टेंस है, लेकिन बैंक निफ्टी अगर क्लोज टू रेजिस्टेंस देखें तो 400-500 पॉइंट का रेजिस्टेंस है, लेकिन सपोर्ट अगर 33000 का बेस छोड़ दिया तो सीधे 800 पॉइंट गिर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कल भी मैजिकल फिगर को बेस बनाकर रेजिस्टेंस लेवल पे मिले तो सिर्फ सेल करके काम करना चाहिए, कंडीशन कल गैप अप ओपनिंग ना हो। मैजिकल फिगर था आज के लिए निफ्टी का 16460 का, अब वो मैजिकल फिगर हो चुका है 16420 का, ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही और ये गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद देखी जाएगी। तो मंडे के लिए जो वीडियो शूट करूंगा कल वो आप लोगों के बेहद काम का होगा, यानी या दो ही ऑप्शन होंगे, या फिर बाजार मैजिकल फिगर के पास जाएगा या फिर मैजिकल फिगर को बाजार के आसपास आना होगा। तो ये कल के ट्रेडिंग सेशन जब तक चालू नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, तब तक इसको प्रैक्टिकली जजमेंट निकालना मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, किसी के लिए भी मुश्किल है। ये तो बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आप कुछ ट्रेड बना लें, कुछ पैसा निकाल लें छोटी क्वांटिटी के साथ तो बहुत बढ़िया बात है, छोटी क्वांटिटी में काम करिएगा, पैसा मिले वहाँ पर बुक कर लीजिए जहाँ पर सेटिस्फेक्शन हो, बाजार वहाँ से 500-1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, 500-1000 पॉइंट नीचे चला जाए, रिग्रेट मत करिएगा। बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर था 34800 का, वो मैजिकल फिगर हो चुका है 34660 का, स्वाभाविक रूप से मैजिकल फिगर के नीचे है, रुका हुआ है, टिका हुआ है, तो एक करेक्टिव फेज पे है, देखते हैं बाजार मैजिकल फिगर के पास जाता है या फिर मैजिकल फिगर बाजार के पास आता है। तो अब आप लोगों के सामने सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, मैजिकल लेवल्स है, ट्रेंड है, और स्टॉक स्पेसिफिक की रणनीतियाँ स्टॉक स्पेसिफिक की वीडियो में है, तो वो भी देखिए, MCX की वीडियो भी देखिए। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल मार्केट का ऑलमोस्ट सारा ज्ञान आप लोगों के पास है, और इकोनॉमी कैसी कर रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसी कर रही है, नंबर्स के आधार पर वो भी जजमेंट निकाला जा सकता है। तो आशा कर सकता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जाते जाते लाइक का बटन दबाइएगा, थम्सअप दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आए, तो आप यानी कोई भी वीडियोस अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया की लिंक है, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए ताकि आपके और मेरे बीच की कनेक्टिविटी बनी रहे। ऊपर आई बटन में पास वीडियोस के लिंक होते हैं उन्हें भी देखिए ताकि मार्केट की और इंटेलिजेंस की साइकोलॉजी समझ में आए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कंपनियों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक है, आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।